नमस्ते, मेरा नाम आयुष है, आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। कॉन्वोकेशन यानी कि दीक्षांत समारोह में तीन चीज़ें दी जाती हैं। पहली है डिग्री, ये उन सभी बच्चों को मिलती है जो उस साल ग्रेजुएट हो रहे होते हैं। दूसरी चीज़ है मेडल, मेडल सिर्फ गिने चुने बच्चों को दिए जाते हैं, टॉपर्स को, होशियार बच्चों को। लेकिन एक तीसरी चीज़ है जो सबको दी जाती है, और इस तीसरी चीज़ का नाम है भाषण। ये डायरेक्टर्स से लेकर प्रोफेसर्स और स्टूडेंट सबको मिलता है। देश का एक नामी इंस्टीट्यूट है IIT खड़गपुर, वहाँ दीक्षांत समारोह चल रहा था। चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे थे रमेश पोखरियाल निशंक, देश के मानव संसाधन विकास मंत्री, आसान भाषा में कहें तो शिक्षा मंत्री। कॉन्वोकेशन में ये वही तीसरी चीज़ यानी कि भाषण दे रहे थे। भाषण में पोखरियाल भारत के गौरवशाली इतिहास और विश्वगुरु होने की बात कर रहे थे। बोलते बोलते भावनाओं में बह गए। उन्होंने कहा कि संस्कृत दुनिया की पहली भाषा है। पहले आप उनका ये भाषण सुनिए। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में विश्वगुरु रहा है, उसने ज्ञान से लेकर विज्ञान, ये जो संस्कृत की आपने बात की, ये देवबाणी है, पूरी दुनिया की पहली भाषा है संस्कृत। अभी तक लोगों ने इसको साबित नहीं कर सका कि नहीं, पहली संस्कृत से भी पहली कोई भाषा थी। पोखरियाल ने तो बोल दिया जो उन्हें बोलना था और वहां से चले भी गए, लेकिन हम अटक गए। क्या वाकई संस्कृत दुनिया की पहली भाषा है? ये क्लेम है, दावा है। जब हम कोई भी ऐसा क्लेम करते हैं तो उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है एविडेंस, सबूत। वैसे सेंसिटिव मुद्दों पर सबूत की बात करते ही कमेंट सेक्शन के सिकंदरों का एक स्टैंडर्ड रिस्पांस ये होता है, क्या सबूत है कि तुम अपने माँ बाप की औलाद हो? खैर, सोशल मीडिया के लड़ाकों का तो चलता रहता है, उनको साइड में रखते हैं और संस्कृत पर लौटते हैं। संस्कृत जरूर दुनिया की प्राचीन भाषाओं में से एक है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। किसी भी भाषा के जो सबसे पुराने लिखित प्रमाण मिलते हैं वो सुमेरियन और इजिप्शियन भाषा के हैं, करीब 5500 साल पुराने। जबकि संस्कृत के जो सबसे पुराने लिखित प्रमाण हैं वो करीब 2000 साल पुराने हैं। एक और भारतीय भाषा है जिसके लिखित प्रमाण संस्कृत से भी पुराने हैं, वो भाषा है तमिल। वैसे देखा जाए तो अपने यहाँ की एक और भाषा है जिसके लिखित प्रमाण संस्कृत और तमिल से भी पुराने हैं, और ये है सिंधु घाटी सभ्यता वाली भाषा, हड़प्पा वाली भाषा। लेकिन ऐसा है कि अब तक किसी को कुछ समझ में आया नहीं है कि हड़प्पा वाली लिपि में लिखा क्या है, मतलब हम लोग डिकोड नहीं कर पाए हैं अब तक, तो हड़प्पा पर फिलहाल बात रहने देते हैं। लेकिन क्या लिखित प्रमाण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि संस्कृत केवल 2000 साल ही पुरानी है? जवाब है नहीं, क्योंकि शुरुआत में संस्कृत की रचनाएं बोल बोलकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर की गई, जैसे रट्टा मारा जाता है ना, वैसे ही। भाषा के जानकार मानते हैं कि वेद करीब 3500 साल पुराने हैं, और वेदों में सबसे पुराना है ऋग्वेद। हुआ ये कि इससे पहले ये सारा ज्ञान मौखिक रूप से ट्रांसफर किया जाता रहा, इनके पढ़ सकने वाले वर्जन बहुत बाद में आए। सवाल आखिर यहीं अटकता है कि सबसे पुरानी भाषा है कौन सी? जवाब है पता नहीं, ये नहीं बताया जा सकता। ज्यादातर भाषाएं पहले मुंह और कान तक ही सीमित रहीं, बहुत बाद में जाकर उन्हें लिखित रूप में कन्वर्ट किया गया जिनको पढ़ा जा सके और जो अपने पुराने होने का सबूत बन सके। तो सबसे पुरानी भाषा कौन सी है ये तब तक नहीं पता लगाया जा सकता जब तक हम टाइम मशीन ना बना लें। पोखरियाल अपने भाषण में एक और जगह कहते हैं कि रामसेतु भारत के इंजीनियर्स ने बनाया है। पोखरियाल की इस बात के बाद हॉल में ऑकवर्ड साइलेंस छा गया। हमारे पास कैसे इंजीनियर थे? क्या यदि आज राम सेतु की बात की जाए तो राम सेतु को किसी अमेरिका के या ब्रिटेन के या जर्मनी के इंजीनियर ने आकर के बनाया है? राम सेतु हमारे इंजीनियरों ने बनाया है, जिसको देख करके दुनिया भी आश्चर्यचकित है। ठीक है, सही है, सही है, बताइए ना, आप चुप क्यों हैं? आयरनी की अम्मा यह है कि पोखरियाल अपने इसी भाषण में जय विज्ञान और जय अनुसंधान भी बोल रहे हैं। अनुसंधान माने रिसर्च, रिसर्च जो शिक्षा मंत्री जी ने अपने भाषण में दावे करने से पहले नहीं की। अपने देश में संविधान नाम की एक चीज है। संविधान के आर्टिकल 51A में लिखा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब दावे फैक्ट्स और एविडेंस के आधार पर किए जाएं। लेकिन अगर हमारे नेता और मंत्री ही एविडेंस की जगह कुछ भी एंड का बंड कहेंगे तो नागरिक बेचारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहां तक बचा कर रखेगा। ऐसा नहीं है कि पोखरियाल ने पहली बार ऐसे अजीबोगरीब दावे किए हों। 10 अगस्त को वे IIT बॉम्बे के कॉन्वोकेशन में गए थे, यहां पर ये एक स्टेप आगे गए थे। वो जो नासा ने कहा था कि संस्कृत कंप्यूटर वाली भाषा है, ये जो फेक न्यूज है ना, इसको इन्होंने एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। पहले इनको सुनिए। पाणी ने संस्कृत को दिया, व्याकरण को दिया, आज नासा भी कह रहा है कि निकट भविष्य में यदि कंप्यूटर, वाकिंग कंप्यूटर यदि बोलचाल की
हादसा का कंप्यूटर जिंदा रहेगा तो केवल संस्कृत के बल पर ही रह सकता है, नहीं तो नहीं रह सकता है। ये नासा बोल रहा है क्योंकि संस्कृत तो साइंटिफिक भाषा है, जो बोला जाता है वही उच्चारित होता है, वही लिखा जाता है, और दुनिया में कोई भाषा ऐसी साइंटिफिक नहीं है। हम क्यों भूले अपने को? इसी भाषण में पोखरियाल ने अणु और परमाणु की शोध का श्रेय चरक ऋषि को दे डाला। पोखरियाल की बातों का जवाब शायद शब्दों में देना उतना सार्थक नहीं होगा। उनके दावों पर सबसे बढ़िया रिएक्शन उनके पीछे बैठे आईआईटी बॉम्बे के एक प्रोफेसर ने दिया है, एकदम लाइव। आप ये देखिए, बोलचाल की भाषा का कंप्यूटर जिंदा रहेगा तो केवल संस्कृत के बल पर ही रह सकता है, नहीं तो नहीं रह सकता। अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक कीजिए, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारा ऐप भी आ गया है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। शुक्रिया।